इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, यानी कि क्लास 11 का जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म या सॉरी एडमिशन फॉर्म होता है उसको किस तरीके से भरते हैं और उसको फॉर्म भरने का तरीका क्या होता है वो जानेंगे। वैसे आपको पता हो गया होगा ही, क्लास 9th और क्लास 10th आपने पहले से भरा होगा, पर थोड़ा सा और रिफ्रेश करने की ज़रूरत है, तो इस वीडियो में हम वो देखेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होता है इस पर्टिकुलरली क्लास 11 का फॉर्म भरने के लिए। तो अभी आपको जो स्क्रीन पर दिखने वाला है उसमें आप देख सकते हो, एक आपको वैलिड प्रूफ यानी कि वोटर आईडी, अगर आपके पास आपकी एज हो गई तो आप वोटर आईडी ले सकते हो, अदरवाइज नॉर्मली आधार कार्ड तो चल ही रहा है। दूसरा है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यानी जो छोटा फोटोग्राफ होता है वो। जाति प्रमाण पत्र, आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए चाहिए होता है, अगर है तो उसको जरूर रखें अपने पास। पिछले साल अगर आप क्लास 10th पास किए तो उसका क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड आपको इस साल तो ऑनलाइन ही मिल जाएगा, ऑनलाइन आप वहाँ से ले सकते हो, अर्थात रिजल्ट आपको चाहिए होता है वो आप यहाँ वहाँ से ले सकते हो। बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र आपका होना ही होना चाहिए, साथ में आपका यूपी बोर्ड का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है यानी कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप सबमिट कर रहे होते हैं वो, ये सब जरूरत होता है एक पर्टिकुलर फॉर्म यूपी बोर्ड का क्लास 11th का फॉर्म भरने के लिए, एडमिशन फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया ये? तो ये जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं, पांच मेन पॉइंट हैं, एक जो है वो है आपका एडिशनल पॉइंट। ठीक, इसी के साथ अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे एक्चुअल फॉर्म को भरते कैसे हैं। चलिए अब देखें हम फॉर्म भरने का तरीका, चलिए देखें। तो दोस्तों ये है आपका फॉर्म, मतलब ऐसा ही फॉर्म रहेगा, एग्जैक्ट ऐसा ही फॉर्म रहेगा लगभग। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 2019 से 2020, लेकिन जो आपका जो फॉर्म नया फॉर्म आएगा वो 2020 से 2021 लिखा रहेगा। ये पुराना फॉर्म यूपी बोर्ड ने इशू करवाया है, अभी कुछ जल्द ही आपको नया फॉर्म का अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप इस लिंक पर जाएंगे तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। बात करते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्म को भरते कैसे हैं। तो इसका फॉर्म बहुत आसान है, आप इसको भर चुके हो कई बार। पहला आपको वहाँ पर फ़ोटो लगाना होता है, आप ऑनलाइन भरवाओगे तो आपको फ़ोटो अपलोड करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम पॉइंट का बात करेंगे एक एक पॉइंट की। पहला जो पॉइंट है उसका साफ साफ लिखा है विद्यालय का कोड एवं नाम, यहाँ पे आपको विद्यालय का कोड लिखना होगा जिस विद्यालय से आप जा रहे हो एडमिशन लेने वहाँ पे, और उसका नाम। फिर दूसरा पॉइंट है कि आप किस टाइप के विद्यार्थी हो, नियमित हो, कक्षा 11 में आपका पुनः मतलब प्रवेश हुआ है, आप कक्षा 11 में फेल हो गए हो, आप फिर से एडमिशन दे रहे हो, या कक्षा 12 का आपको जो प्रवेश, कक्षा 11 का जो आपका प्रवेश हो बाहर से हुआ है यानी दूसरे स्कूल से हुआ है, तो आप इसमें से आप लगा सकते हो। नियमित प्रवेश यानी कि आप इसी स्कूल में पढ़ते हो तो आप आगे टिक कर दोगे, अगर आप 11 का पेपर फिर दोबारा देना चाह रहे हो या दे रहे हो तो आप दूसरे पर टिक करोगे, अदरवाइज तीसरे पर। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि आप दृष्टिबाधित हो, क्या आपको दिखता नहीं है, क्या आप गूंगे हो, मुख बाधित हो, या आप विकलांग हो, तो इसमें तो आपको जो पॉइंट आप सही हो उस पर टिक करो, अदरवाइज अगर कुछ नहीं हो, नॉर्मल हो, तो आप किसी पर टिक मत करो तीसरे पॉइंट में। चौथा पॉइंट क्या लिखा है, क्या आप परीक्षार्थी यानी आप विद्यार्थी अल्पसंख्यक समुदाय से है, आप अगर अल्पसंख्यक यानी कि एक तरीके से शेड्यूल कास्ट से हो, अगर नहीं हो तो आप नहीं लिखोगे, अगर हो तो हाँ लिखोगे या हाँ पे टिक कर दोगे। पांचवा पॉइंट, छठवां पॉइंट, सातवां पॉइंट ध्यान दीजिएगा, इसमें हम इंग्लिश में ही लिखेंगे। पांचवा पॉइंट लिखा है कैंडिडेट नेम यानी आपका नाम। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए आपका नाम है करण, करण यादव, तो आप लिखोगे हर एक बॉक्स में एक एक लेटर ही लिखना है, और जब करण लिख लोगे तो आप एक बॉक्स का गैप रखोगे, फिर यादव लिखोगे वो भी एक एक बॉक्स में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें श्रीमान श्रीमती ये सब लगाने की जरूरत नहीं है, किसी बॉक्स में नहीं है। छठवें में आपको अपनी मम्मी का नाम, मदर का नाम लिखना है, उसमें भी आप श्रीमती लगाने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश में लिखना है। और प्लीज़ आपका अपने 10th का रिजल्ट जरूर चेक कर लें, उसमें जैसा आपने आपके मम्मी पापा का नाम लिखा होगा सेम वैसा ही लिखिएगा, जैसा आपका नाम लिखा है वैसा ही नाम लिखिएगा 11 के फॉर्म में, गड़बड़ी मत करिएगा। 10th के रिजल्ट में आपका जैसा नाम आया है, आपके मम्मी पापा का जैसा नाम आया है, कई क्या होता है कि स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, जैसे मान लो प्रीति के, प्रीति नाम है किसी का, तो प्रीति कई लोग डबल ई लगाते हैं, कई लोग आई से काम चलाते हैं,
PREETI, कई लोग ऐसे लिखते हैं, कई लोग PRITI लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये गड़बड़ी मत करिएगा, क्लास 10 के रिजल्ट से मैच कर कर ही नाम लिखिएगा, ठीक है। फिर 5.1, विद्यार्थी का नाम हिंदी में लिखना है आपको। वहाँ पे आपको जो आप साइबर कैफे जाओगे तो वहाँ आपको लिखने का तरीका दिखा देगा कैसे लिखना है। इसमें भी आपको श्रीमान श्रीमती लगाने की जरूरत नहीं है। माता 6.1 जो पॉइंट है उसमें क्या है कि माता का नाम लिखना है, इसमें आपको श्रीमती लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपके माता पिता, मान लीजिए भगवान न करे, लेकिन अगर नहीं है तो आप लेट लगाते हो, ठीक है, वहाँ आप लेट लिख दोगे इंग्लिश वाले में, ठीक है। और यहाँ लिखोगे स्वर्गीय, ठीक, भगवान अगर ऐसा हो, पर अगर ऐसा है तो आप इस तरह लिख सकते हो। पिता का नाम आप लिख दोगे, ठीक, पिता का नाम भी आपको लिखना है, लेकिन श्री या श्रीमान लगाकर नहीं। फिर यहाँ उसके बाद जो पॉइंट 8वां क्या लिखा है, यथा स्थान पर सही बॉक्स में टिक करें। आप अगर मेल हो तो आप मेल पे टिक करोगे 1 के नीचे, अगर फीमेल हो तो 2 के नीचे। जाति, आपकी जाति कौन सी, कैटेगरी, किस कैटेगरी में आते हो आप, अनुसूचित आते हो तो 1 पे करोगे, और अनुसूचित जनहित, मतलब जनहित में आते हो तो 2 पे करोगे, पिछड़ी में आते हो तो 3 पे करोगे, सामान्य में आते हो तो 4 पे करोगे। फिर प्रश्न पत्र का जो माध्यम हो कैसा रहेगा, मतलब प्रश्न पत्र किस लैंग्वेज में आएगा, हिंदी में या इंग्लिश में। अगर आप हिंदी वाला चूज़ करते हो तो आपको इंग्लिश का पेपर छोड़ के बाकी सब पेपर हिंदी में आएगा, आप कोई भी विषय लोगे, ठीक है। और इंग्लिश माध्यम चूज़ करोगे तो हिंदी पेपर छोड़ के आपका सभी पेपर जो आएगा वो किस में आएगा, इंग्लिश मीडियम में आएगा, ठीक है। नॉर्मली लोग हिंदी मीडियम चूज़ करते हैं यूपी बोर्ड वाले, तो आप पर डिपेंड है। फिर विषय वर्ग का कोड तथा नाम, आप किस विषय वर्ग से बिलोंग करते हो, A, B, C, F1, F2 या I। अभी मैं आपको बता दूंगा ABC क्या है, F1, F2, I क्या है, ठीक है। तो अभी आपको नीचे देखोगे कोड के बारे में जब बताऊंगा मैं तो आपको बता दूंगा। अब विषय वर्ग का नाम, आपके विषय वर्ग का नाम भी अलग अलग होता है, वो भी आप वहाँ पर लिख सकते हो। फिर परीक्षा प्रवर्ग, मतलब परीक्षा किस प्रकार का आपको देना है, पूरा परीक्षा देना है कि कुछ ही देना है। जैसे आप सबको पता है नॉर्मली आपको पूरा देना होता है, तो उसके लिए आप 1 के नीचे टिक कर दोगे। अब जो 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां पॉइंट है, ये हम अभी देखने जाएंगे, ये पूरा फॉर्म समझने के बाद। नीचे इसी के नीचे दिया हुआ है, यहाँ देखिए, यहाँ पूरा डिटेल दिया हुआ, तो उसको हम समझेंगे। अभी 19 के आगे चलते हैं। 19वां जो आपको दिख रहा है वो साफ साफ लिखा है कि इसमें जो कोड है 173 है, और खेल एवं शारीरिक शिक्षा आपको कंपलसरी है, इसमें आपको कोई ऑप्शनल नहीं दिया गया, और इसका पेपर स्कूल में नॉर्मली होता है। आप अगर मैं फिर बता दे रहा हूँ, 13वां, 14वां, ये जो पूरा पॉइंट 13 से लेकर 18, उसमें आप देख सकते हो विषय कोड आपको लिखना होता है एक तरफ, एक तरफ विषय का नाम लिखना होता है, ठीक। तो ये आपको हार्ड कॉपी मिलती है, सॉफ्ट कॉपी भी मिलती है। तो हार्ड कॉपी मिलेगी, मतलब कि हार्ड मतलब होता है कि पढ़ने जैसा, और सॉफ्ट कॉपी मतलब कंप्यूटर पे। तो आपको पढ़ने जैसा मिलेगा, तो आपको अपने से लिखना होगा या टिक करना होगा, ठीक है। अब 20वां पॉइंट जो है वो क्या है, कृषि भाग 2 के परीक्षार्थियों हेतु, अगर आप कृषि भाग से बिलोंग करते हो तो उसके लिए 2, ठीक है। अभी ये 2 का लिखा है, लेकिन जो गवर्नमेंट ने इशू किया है वो भाग 1 के लिए, कृषि भाग 1 के लिए इशू किया है, ना कि कृषि भाग 2 के लिए, ठीक है, उसका ध्यान दीजिएगा। फिर कृषि भाग 2 का भी जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। हाई स्कूल आपका, आपने जो पास किया उसका आप कैसे भरोगे वो लिखा है। हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष तथा अनुक्रमांक अंकित करें। लिखा ना परीक्षा संस्था का नाम, मतलब किस बोर्ड से आपने पढ़ाई की, यूपी बोर्ड से पढ़ाई की है, CBSE से की है, या आपने कहीं दूसरे स्टेट से पढ़ाई की, से बिहार बोर्ड से की है, या उड़ीसा बोर्ड से की है, महाराष्ट्र बोर्ड से की है, तो वो आपको वहाँ पर लिखना होगा। किस वर्ष किया है वो लिखना है आपको नीचे। मान लो आपने 2020 में किया है तो आप 2020 लिखोगे, अनुक्रमांक आप लिखोगे जो आपका अनुक्रमांक है वो। फिर आपको 12 नंबर का आपका जो आधार नंबर है वो आपको लिखना है, ठीक। परीक्षार्थी का 10 अंकीय मोबाइल नंबर वो आपको यहाँ पर लिखना है, वो कंपलसरी है, ठीक। फिर आपको लिखा है जो 24वां पॉइंट है वो व्यावसायिक लोगों के, व्यावसायिक शिक्षा जो ग्रहण कर रहा है उसके लिए, तो इस पर आप ध्यान मत दीजिए। 25वां आपका अगर ईमेल आईडी है तो आप ईमेल आईडी जरूर वहाँ पे दे दें, ताकि नोटिफिकेशन अगर आपके आपके फॉर्म पे आता है, कोई गड़बड़ी होता है या कुछ भी होता है, या आपका फॉर्म सक्सेस हो जाता है, तो आपके मोबाइल पे या आपके ईमेल आईडी पे वो नोटिफिकेशन आएगा। परीक्षार्थी के पिता अथवा अभिभावक की घोषणा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक। फिर परीक्षार्थी का हस्ताक्षर करना होता है, आपके आपका हस्ताक्षर, उसके देखिए बगल में
राइट साइड आपके अपने अभिभावक या पिता का हस्ताक्षर चाहिए होता है, स्थायी पता, आपका जो रियल पता है आप जहाँ एग्जैक्ट रहते हो वो लिखना है, न कि किराए वाला रूम, ठीक है। तो आपको स्थायी पता लिखना है, मोबाइल नंबर आपको लिखना है, मोबाइल नंबर वही लिखिएगा जिससे मैसेज आए या नोटिफिकेशन आए तो आप समझ जाओ कि हाँ इसका मतलब ये है, ठीक। पिन कोड आपको लिखना है, और ये फॉर्म नॉर्मली परीक्षार्थी से ही भरवाया जाता है, न कि प्रधान चार्ज से। ये जो पीले में लिखा हुआ यही लिखा हुआ है, और चिंता मत करिए इसका पीडीएफ मैं आपको वीडियो की डिटेल में दे दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड करके समझ सकते हैं, ठीक। ये समझने के लिए है, न कि इसको, ये नहीं कि फॉर्म निकाल के इसको भरने लगे, नहीं, ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। लिखा है शैक्षिक सत्र 2019-20 वो 2021 हो जाएगा उसके लिए ये है। यहाँ देखिए मानवीय वर्ग, ह्यूमैनिटी वर्ग बोलते हैं इसको, ह्यूमैनिटी ग्रुप बोलते हैं, ये ए है। देखो यही मैं समझा रहा था, यहाँ आपको मैं जूम करके समझाऊंगा। ये देखिए ये जो वर्ग लिखा है A, B, C, F1, F2, I जो लिखा है वो यही है। जो अगर आप विषय वर्ग कोड ए हो तो आप इसका मतलब आपने क्या लिया है, कला लिया है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो ए जो ग्रुप है वो क्या है, मानविकी वर्ग के लिए है। अनिवार्य विषय आपका जो है वो है हिंदी अथवा समान हिंदी, आपको इसमें से कोई एक लेना है, 173 तो अनिवार्य है ही। फिर लिखा है तक के वैकल्पिक विषयों में से कोई चार विषय, घ तक मतलब जो घ तक दिख रहा है आपको इतिहास, तो वहाँ तक कोई आपको चार विषय आपको लेना है घ तक में, ठीक है। तो घ तक आपको पूरा यहाँ तक है, यहाँ तक देखिए यहाँ तक है, मानव विज्ञान तक है, तो यहाँ तक आपको चार विषय लेना है। दो विषय पहले आप ले चुके हो, हिंदी और नैतिक विज्ञान, जो नैतिक शिक्षा से बोल सकते हैं हम। तो क में आपको ध्यान दीजिएगा, क ख ग ये क्या है, ये हिंदी भाषा होता है, इसमें से आपको क्या होता है, आपको विषय जो लेना होता है वो दो लेना होता है या तीन ले सकते हो आप, इसमें तीन लिखा है, अधिकतम तीन भाषाओं का चयन किया जा सकता है। क से लेकर ग तक जो फारसी लिखा है 103 से लेकर कोड नंबर 103 से लेकर 126 तक जो आपको दिख रहा है, इसमें से आप तीन विषय ले सकते हो, ठीक है। आप संस्कृत लेना चाहो संस्कृत लो, उर्दू गुजराती जो आपको लेना है वो लीजिए, फिर अंग्रेजी, फिर पाली अरबी या फारसी कोई एक ले सकते हो। बस एक बात आपको मैं बता दूं कि हिंदी आप पहले ले चुके हो, इसीलिए आपको जो भाषा लेनी है वो सिर्फ दो लेनी है, क से ग तक, ठीक है। तो फिर समझा दे रहा हूँ मैं, आप हिंदी तीन भाषा आप ले सकते हो, तीन भाषा में से आप पहला हिंदी ले चुके हो, इसीलिए क से जो ग तक जितने सब्जेक्ट या उसके कोड लिखे हुए उनमें से आपको सिर्फ दो ही विषय लेने पड़ेंगे, या तो संस्कृत या उर्दू या अंग्रेजी या पाली, मतलब कोई भी आप दो भी लेना है आपको, चाहे जो आपको लेना है ले लीजिए, ठीक है, आप ले सकते हो, आपको पूरी छूट है, आपको दो लेना है। यानी कुल कितने सब्जेक्ट हो गए, गेस करो कि आपने हिंदी लिया है, नैतिक योग दूसरा सब्जेक्ट हो गया, तीसरा मान लो आपने संस्कृत लिया है और अंग्रेजी लिया है, तो चार सब्जेक्ट हो गए। फिर उसके बाद आपको इधर आना है ग में, लिखा ग तक की भाषाओं में दो से अधिक भाषाओं का चयन नहीं किया जा सकता, जो मैंने अभी आपको बताया। फिर घ में आपको एक विषय मतलब दो विषय चूज करना होगा, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, गणित, सैन्य विज्ञान, मनोविज्ञान, जो आपको चूज करना है उसमें से आप चूज करिए, आपके पूरा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। कितने पॉइंट थे चेक कर लीजिए, आपके कुल कितने थे, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी पूरे 6 विषय, ठीक है, जिसमें से आपका सातवां विषय जो था वो पहले से ही कंपलसरी है, समझ में आ गया। तो देख लीजिए, तो हम देख चुके हैं हिंदी या समान हिंदी एक विषय, नैतिक दो विषय, संस्कृत अंग्रेजी मान लो आपने लिया है तो चार विषय हो गए। तो उसके बाद जो बचा है आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, गणित, सैन्य विज्ञान, मनोविज्ञान, इसमें से आपको कोई तीन लेना है, ठीक है, तो आपके पूरे हो जाएंगे कितने, 7, ठीक, समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं, जो मैं कहना चाह रहा हूँ पक्का क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक। फिर विज्ञान वर्ग की बात करें तो विज्ञान वर्ग में आपका अनिवार्य विषय जो है वो है हिंदी या समान हिंदी, कोई एक आपका अनिवार्य है, नैतिक विज्ञान आपका अनिवार्य है जिसे हम बोलते हैं नैतिक शिक्षा, दो विषय आपका हो गया, भौतिक विज्ञान आपका तीसरा विषय हो गया, रसायन विज्ञान आपका चौथा विषय, जीव विज्ञान या गणित, ये होता है ना, बायो वाले जीव विज्ञान लेते हैं और मैथ वाले होते हैं वो गणित लेते हैं, ठीक, यही होता है। तो ये आपके पूरे 5 विषय हो गए, कंप्यूटर आपका 6वां विषय हो गया, ठीक, 6 विषय हो गए आपको, और एक विषय आपको ऑप्शनल रखा जाता है। मानवीय वर्ग के केवल भाषाओं के वैकल्पिक विषय में से विषय 103 से 126 में से कोई एक विषय आपको लेना होता है,
यानी कि आपके पूरे 6 विषय ऐसे ही हो गए, अंग्रेजी बचा हुआ है, तो आप यहीं अंग्रेजी 103 से 126 के बीच में से आप 117 नॉर्मली लोग लेते हैं, आप संस्कृत भी ले सकते हो 103, लेकिन नॉर्मली लोग 117 लेते हैं, यानी कि 101 हिंदी या 102 हिंदी सामान्य हिंदी लेते हैं, फिर आप नैतिक नैतिक वाला लेते हो, नैतिक वाला दो सब्जेक्ट, भौतिक विज्ञान 3 सब्जेक्ट, रसायन विज्ञान 4 सब्जेक्ट, जीव या गणित आपका 5 सब्जेक्ट, कंप्यूटर आपका 6वां सब्जेक्ट और अंग्रेजी आपका 7वां सब्जेक्ट। ठीक, कई लोग बोलते हैं कंप्यूटर नहीं, कई लोग के स्कूल में कंप्यूटर नहीं होता है, तो कंप्यूटर की जगह दूसरा ऑप्शन स्कूल वाले तैयार रखते हैं और वो कोड आपको बता दिया जाता है कि ये कोड उसका है। ठीक है, चिंता मत करिए। वाणिज्य वर्ग अपने स्कूल में जाके जरूर पता करें कि कंप्यूटर है कि नहीं, अगर नहीं है तो उसका ये कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ किया जाए उसके लिए। ठीक है, फिर वाणिज्य वर्ग की बात करें तो वाणिज्य मतलब कॉमर्स वर्ग की बात, तो आप ध्यान दीजिएगा, ए कला वर्ग, बी विज्ञान वर्ग और सी जो होता है वो वाणिज्य यानी कि कॉमर्स वर्ग होता है। ठीक है, इसमें पहले हम डिस्कस कर चुके हैं हिंदी समान हिंदी एक कंपलसरी विषय, बही खाता तथा लेखा शास्त्र दूसरा कंपलसरी विषय, ठीक, तीसरा व्यापारिक संगठन पत्र व्यवहार ये तीसरा सब्जेक्ट, जो तीन सब्जेक्ट हो गया, नैतिक वाला चार आपके कंपलसरी होते हैं। अब लिखा है निम्नलिखित में से कोई दो विषय, अब ये जो पूरे 6 हैं उनमें से कोई आप दो विषय ले लीजिए, तो ऊपर 4 नीचे 2 6 हो गए, फिर जो अथवा करके नीचे लिखा है 103 से 126 कोड तक के विषय में से कोई एक विषय ले लीजिए, तो नॉर्मली इसमें हम फिर से क्या नॉर्मली लोग अंग्रेजी लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं लेकिन नॉर्मली लोग अंग्रेजी लेते हैं, तो पूरे 7 विषय हो गए कॉमर्स वाले में भी। ठीक है, फिर आपका होता है कृषि वर्ग भाग 1, ये आपको उतना डिटेल जानने की जरूरत है नहीं, आप अगर आप कृषि वर्ग मतलब किसी वर्ग से हो तो आप कृपया इसको पढ़ लें समझ लें, ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। कृषि वर्ग भाग 2 से हो तब भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। व्यवसायिक वर्ग ये बहुत अलग तरीके होता है, वोकेशनल ट्रेड ग्रुप बोलते हैं, इसमें अभी समान हिंदी होता है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से होता है, उसको अच्छे तरीके से आप पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है, ज़्यादा कठिन है नहीं। और उसके बाद जो आपका है ये इंग्लिश में, अगर आप इंग्लिश समझना चाहें तो इंग्लिश में ये है ह्यूमैनिटी यानी ग्रुप ए अर्थात आर्ट के लिए जो है पहला सब्जेक्ट आपका वो क्या है, कंपल्सरी सब्जेक्ट है हिंदी या जनरल हिंदी, वो पहला सब्जेक्ट है। ठीक, फिर आपको दूसरा सब्जेक्ट होता है आपका ये फिजिकल वाला, 2 सब्जेक्ट आपका हो गया, फिर आपको संस्कृत उर्दू गुजराती इंग्लिश पाली अरबिक पर्सन जो आप अभी ऊपर देखा तो उसमें से कोई आपको चूज़ करना होता है कोई 2, तो पहले आपका 2 हो गया हिंदी या जनरल हिंदी कोई एक विषय वो, फिर भौतिक मतलब नैतिक शिक्षा 2, फिजिकल एजुकेशन से बोलते हैं वो 2, इंग्लिश मान लो आपने लिया या संस्कृत लिया आपका 4 विषय हो गया। ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स मैथमेटिक्स मिलिट्री, मैथमेटिक्स उसमें थोड़ा हल्का रहेगा, ठीक, आपका जो रियल मैथमेटिक्स होता है उससे हल्का होता है, मिलिट्री साइंस साइकोलॉजी एजुकेशन और लॉजिक अब जो भी समझो वो आपको पढ़ना होता है, तो हिस्ट्री आप ले लेते हो और फिर क्या कहते हैं ज्योग्राफी लेते हो, मैथमेटिक्स कई लोग लेते हैं, कई लोग सिविक्स ले लेते हैं, कई लोग मिलिट्री साइंस लेते हैं, फिर ऐसे ही आपको जो पूरे आपके जो 3 सब्जेक्ट है आपको इन्हीं ए एफ आई के में से एक एक में से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना होता है, ए में से या एफ में से, ये जो आपको दिख रहा है मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये जो आपको ए एफ आई के दिख रहा है इसमें से आपको बाकी सब्जेक्ट लेना होता है। ठीक, समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे बी का यानी साइंटिफिक यानी कि विज्ञान वर्ग की बात करेंगे, तो इसमें जनरल हिंदी या हिंदी आपको एक विषय होता है। ठीक, दूसरा जो आपका विषय होता है वो होता है वही जो मैंने बोला फिजिकल एजुकेशन, तीसरा आपका होता है फिजिक्स, चौथा केमिस्ट्री, पाँचवा बायोलॉजी या मैथमेटिक्स, छठा आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर के लिए दूसरा ऑप्शन आपके स्कूल में होता है उसका चिंता मत करिए, फिर लास्ट में आपका होता है ह्यूमैनिटी ग्रुप में से, तो आप नॉर्मली उसमें आप इंग्लिश लेते हो। ठीक, तो हो गया 7 सब्जेक्ट। फिर इसके बाद जो आगे आपको दिख रहा है वो दिखा दूं मैं, ठीक, आगे जो आपको वो पॉइंट है वो दिखा दे रहा हूं मैं, ग्रुप F1 एग्रीकल्चर जो अभी हमने डिस्कस किया, कॉमर्स का मैं भूल गया सॉरी, कॉमर्स का जो अभी हमने डिस्कस किया था कि आपको हिंदी या जनरल हिंदी कोई एक लेना होता है। ठीक, फिर आपको अकाउंटेंसी आपको कंफर्म है आपको लेना ही लेना है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपको लेना ही लेना है। ठीक है, 2 सब्जेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग और इनमें से आपको 2 सब्जेक्ट नहीं लेना होता है,
चाहे वो आपका इकोनॉमिक कमर्शियल ज्योग्राफी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन हो, मैथ या एलिमेंट्री स्टेटिस्टिक्स से बोलते हैं, कंप्यूटर या इंश्योरेंस पॉलिसी, इसमें से आपको कोई आपको दो लेना होता है। तो आपका हिंदी, जनरल हिंदी एक विषय हुआ, ठीक है, फिर समझा रहा हूँ मैं, फिजिकल एजुकेशन दो सब्जेक्ट हुआ, और 156, 157 जो कोड है वो आपके चार हो गए, ठीक। फिर आपको इसमें से दो लेना होता है, ए और डी जो ऑप्शन होता है, इसमें से आपको ए से लेकर एफ तक जो ऑप्शन है इसमें से आपको दो सब्जेक्ट लेना होता है, तो कुल कितने हो गए, छः। फिर आपको लास्ट जो जी वाला ऑप्शन है वो आता है आपका ह्यूमैनिटी ग्रुप, जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपको नॉर्मली लोग इंग्लिश लेते हैं, तो वो आपका सात सब्जेक्ट। फिर एग्रीकल्चर पार्ट वन, अभी मैंने बताया कि आपको ठीक से पढ़ेंगे आपको एकदम क्लियर साफ साफ समझ में आ जाएगा, एग्रीकल्चर पार्ट टू, वोकेशनल, ये सब, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल आपका हो गया किसका, फॉर्म भरने का और उसका जो कोड है वो, ठीक। तो कोड और फॉर्म में कोई गड़बड़ी ना करें, संशोधन का टाइम आएगा, ऐसा नहीं है नहीं आएगा, आएगा, पर कोशिश करें गलती ना हो, ठीक है। आपका आपको इस पेज का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ये रियल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये एक रियल पेज नहीं है। अब रियल पेज आपको जो अभी आपको लिंक दिख रहा है उस पर क्लिक, मतलब उस वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको वो लिंक वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। जल्दी जाएं, जल्दी फॉर्म भरें और पहले एडमिशन करवा के इसको फॉर्म भरने की कोशिश जल्दी करें, ठीक है। सो इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। एट लास्ट आपने ये वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।